अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशेल अहसन है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने एमडी कैट की जर्नी को शेयर करूंगी। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज थी वो मुझे फेस करने को मिली और उनसे मैंने कैसे डील किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स से बात करते हैं। मैट्रिक में मेरे 994 मार्क्स थे और एफएससी में 1073 मार्क्स आए थे मेरे। फिर मैंने एमडी कैट 2021 में फ़र्स्ट टाइम किया, उसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ था प्रिपरेशन के लिए। 1 मंथ में जितनी तैयारी हो सकती थी मैंने की, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली 1 मंथ बहुत थोड़ा होता है आपके लिए, तो उतनी अच्छी मेरी तैयारी नहीं हो सकी और प्रैक्टिस तो बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी। सिर्फ स्टार्स अकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, उन्हीं की बुक से मैंने तैयारी की। तो फर्स्ट टाइम मेरे 154 मार्क्स आए आउट ऑफ 210। 85-86% मेरा मेरिट था जो कि बहुत लो था, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। फिर मैंने डिसाइड किया सेकेंड अटैम्प्ट के लिए, फिर मैंने गैप ईयर लिया और मैंने पूरा साल था मेरे पास तैयारी के लिए। जनवरी से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, थोड़ी थोड़ी, प्रॉपर नहीं बट थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी। फिर मैंने प्रॉपर तैयारी 4-5 मंथ्स पहले शुरू की अपनी। उसमें जो मैंने इम्प्रूवमेंट्स की वो यही थी कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। कॉन्सेप्ट आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे और जो MCQs की प्रैक्टिस है जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं MD CAT के लिए। फिर सेकेंड टाइम मैंने UHS का टेस्ट दिया था बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरा जो मार्क्स हैं वो 154 ही आए आउट ऑफ 200 और मेरा 87 आई गेस मेरिट बन रहा था, तो नहीं हो सका मेरा एडमिशन। तो उस टाइम मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस हो गई थी, फ्रस्ट्रेटेड भी थी थोड़ी सी कि 2 टाइम दिया नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेती हूँ। DPT के लिए मैंने अप्लाई किया और AHS के लिए। फिर फाइनली मेरा RMU में MIT में एडमिशन हो गया, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ मैंने अपनी MD CAT को भी तीसरी दफ़ा रिपीट करने का फैसला किया। उसकी तैयारी मैंने शुरू की थी जून के मिड में, मिड जून से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और जुलाई के एंड तक मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई थी। अबाउट 1.5 महीना लगा मुझे। फिर मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी की। फिर अगस्त से मैंने अपनी रिविजन स्टार्ट की और रिविजन के साथ प्रैक्टिस, आपने अपने टॉपिकल्स के साथ साथ FLPs लाजमी करने हैं। रोज़ का मैं 1 FLP लाजमी किया करती थी। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जो लास्ट के कुछ डेज होते हैं उसमें आपने FLPs के साथ मॉक टेस्ट लाजमी जो हैं वो अपने अटैम्प्ट करने हैं, टाइम मोड ऑन करके करने हैं, अपने आप को एग्जाम इन्वायरमेंट में रख कर आपने वो मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर। तो तीसरी दफ़ा मैंने MCAT दिया तो मैंने फेडरल का दिया था, ये सिजाम्बू का। उसमें मेरे 184 मार्क्स आए आउट ऑफ 200 और मेरा 94 मेरिट बना। इस दफ़ा मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, मैंने खुद से ही प्रीवियस अकेडमी के नोट्स यूज़ किए, उसके अलावा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज़ की और मैंने प्रैक्टिस के लिए मेनली प्रीमेड को ज्वाइन किया था। वहाँ पे आपको हर तरह के MCQs मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो मेरी स्ट्रॉन्ग हो ही गई थी अब तक। कुछ जो मेन बातें वो ये हैं कि आपने जो है वो तैयारी का क्राइटेरिया क्या है। आप अगर मैं पंजाब की स्टूडेंट थी तो मैंने अपनी बुक्स को पहले ग्रिप किया, अपनी पंजाब बोर्ड की बुक को आप अच्छे से तैयार करें। उसके साथ साथ आपने बायो के लिए फेडरल की बुक लाजमी पढ़नी है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मोस्टली सेम ही होता है। तो आपने जो बायो है उसके लिए लाजमी फेडरल की बुक पढ़नी है। ओके, जब आप रिवीजन करें तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आप पूरी बुक को दोबारा रिवाइज। जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, अपनी गलतियों को नोट करते जाना है और जो लास्ट के डेज होते हैं आपने उन डेज में सिर्फ यही जो इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स और जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वही रिवाइज करनी होती है। पूरा सिलेबस रिवाइज करने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ MCAT को मैनेज कैसे किया। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लाइफ पहली दफ़ा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, एडजस्ट होने में थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी सीनियर्स की गाइडेंस ली तो हेल्प मिल गई। उसमें आपने करना ये है कि अब दो कश्तियों का सवार तो कभी भी कामयाब नहीं होता, तो आप अगर ये चाहें कि यूनिवर्सिटी में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और साथ MCAT भी टॉप करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। अटेंडेंस मैं अपनी पूरी रखती थी, लेक्चर्स लेती रही साथ साथ। यूनिवर्सिटी का अगर कोई काम था तो कोई टेस्ट वगैरह तो मैं यूनिवर्सिटी में ही फ्री टाइम में कर लिया करती थी, हॉस्टल में जाकर मैंने सिर्फ MCAT की तैयारी करनी होती थी। यूनिवर्सिटी में फिर आपके पास टेस्ट आते रहते हैं, मैं टेस्ट लेक्चर्स जो मैंने लिए होते थे उन्हीं से उनके ही पॉइंट्स रिवाइज करके और कुछ अपना MCAT का और FSC का नॉलेज ही इस्तेमाल करके मैं टेस्ट दे दिया करती थी, तो पासिंग मार्क्स आ जाया करते थे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने एडमिशन लिया हुआ है और साथ MCAT भी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा यूनिवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इतनी तैयारी आप कर लें कि बस आप पास हो जाएं और साथ साथ अपने MCAT के ऊपर अपना पूरा फोकस रखें।
टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बताऊं तो उसमें यही है कि आपने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है। मैं इस बात को मैंने अपने फर्स्ट टाइम में इतना सीरियसली नहीं लिया था, तभी मुझे लगता है ये मेरी एक मिस्टेक थी। तो प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, वाकई इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप जो आपके MCQs गलत होते जाते हैं उन्हें नोट डाउन करते जाएँ और जो लास्ट में आपने उन सबको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, पॉजिटिव पीपल से आप अपने आप को सराउंड करें। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ आप बातचीत करें। और जो लोग थोड़े नेगेटिव होते हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे आपने दूर रहना है। अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। और लास्ट डे की मैं आपको थोड़ी बताऊँ तो आपने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि जो आपका टेस्ट है एक दिन पहले है, उससे पहले पहले आपकी सारी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। आखिरी दिन आपने नहीं पढ़ना, आखिरी दिन आपने फुल एंजॉय करना है, अपना घूमने फिरने जाएं, एंजॉय करें। आपने पढ़ना नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होता है। टेस्ट डे की बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर आपने किसी से कोई डिस्कशन नहीं करनी। वहाँ बच्चे यूँ ये गलती करते हैं कि डिस्कशन कर रहे होते हैं, MCQs डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर अगर आपको यूँ फील होता है कि आपको कुछ नहीं आता, ये नेचुरल है, आपको ऐसा फील होता है, वहाँ आपने किसी से कोई डिस्कशन इस तरह की नहीं करनी। अपना मोरल हाई रखना है। और बुक्स तो बिल्कुल उस दिन टेस्ट वाले दिन बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना, और उससे पहले वाले दिन भी। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। टेस्ट करते हुए अगर तो कोई आपका MCQ समटाइम्स होता है, कोई गलत हो जाता है, कोई नहीं आ रहा होता है, तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं और उस पैनिक में अपना सारा नर्व कंट्रोल खो देते हैं, और जो उनको आता होता है टेस्ट वो भी नहीं आ रहा होता। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अगर कोई नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, आगे चले जाएँ। आप अगर कोई नहीं आ रहा तो आप ये सोचें कि मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आता होगा यहाँ पर, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने टेस्ट वाले दिन बिल्कुल भी टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना, तो इंशाल्लाह आपका MDCAT क्रैक हो जाएगा। बाकी यही है कि अब तो आप बेस्ट दें, पूरी मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, अल्लाह ताला पे पूरा पूरा बिलीफ रखें। इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट दें और बाकी जो है वो अल्लाह पर छोड़ दें, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपकी का ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।